एक तरफ जहां आज पूरा देश कोविड की महामारी से जूझ रहा है और लोग चाहते हैं कि इस फेज़ में, कोविड के फेज़ में, उन्हें सारी सुख सुविधाएं जो हैं सुविधाएं प्रॉपर तरीके से मिल सकें, ऐसे में इस टाइम पे मैं जगती टाउनशिप में हूं, जहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हो एक एम्बुलेंस है, इसे एम्बुलेंस नहीं कहूँगा, एक जंक यार्ड में पड़ी हुई गाड़ी कहूँगा, खटारा गाड़ी कहेंगे, अगर इसे खटारा भी कहें हिंदी में तो वो भी चलेगा, क्योंकि पिछले 20 दिन से ये गाड़ी बंद पड़ी है। अगर आप गाड़ी की हालत देखेंगे, गाड़ी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले 15-20 दिन से काफ़ी बार जो है रिलीफ डिपार्टमेंट को बोला भी जा चुका है कि ये गाड़ी ख़राब पड़ी है और इसे ठीक करवाया जाए, बट अभी तक उनकी तरफ से इसको लेकर कोई भी सुध नहीं ली गई है। इसी चीज़ पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मिस्टर नवीन गोसाई, जो कि यहाँ की यूथ ऑफ जगति के प्रेसिडेंट हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे। और नमस्कार रंजन जी, सबसे पहले शुक्रिया आपका, फोर स्टेट चैनल का, काफ़ी देर के बाद हमारे आपके साथ आज मिला हुआ है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, आपको पता है पूरी दुनिया में कितनी बड़ी महामारी चल रही है कोविड-19, उसके बीच में हम जगती माइग्रेंट कॉलोनी में रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लमों का हम फेस कर रहे हैं। आज के टाइम में आपको पता है कि मेडिकल फैसिलिटी जो है वो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूरतमंद चीज़ है। आप मेरे पीछे देखना चाहते हो कि एक रिलीफ डिपार्टमेंट की एक एम्बुलेंस है जो 2011 में जगती माइग्रेंट कॉलोनी को दी गई थी, इस एम्बुलेंस को जो चलाते हैं हमारे नन्ना जी, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, तारीफ़ करो तो कोई लफ्ज़ नहीं हमारे पास कि वो इंसान क्या है। 24 घंटे वो हमेशा लोगों की सेवा के लिए दिन रात खड़े होते हैं। लास्ट टाइम आप देखोगे कोई सामने नहीं आया तो कोविड की डेड बॉडियां भी उन्होंने उठाई, कोई आगे नहीं आ रहा था, चाहे ये एम्बुलेंस, चाहे वो डेड बॉडी हो, चाहे वो पेशेंट हो, सीरियस पेशेंट हो, कोई भी पेशेंट हो, प्रेग्नेंट लेडी हो, कुछ भी हो, हमेशा दिन रात तैयार खड़े रहते हैं। मगर वो भी क्या करे, पिछले 20 दिन से ये गाड़ी बंद पड़ी है, उन्होंने सारी फाइलें डिपार्टमेंट में दी हैं, उनके पास जब हथियार ही नहीं है तो वो क्या जंग करने जाएंगे। आज के टाइम में आपको पता है एम्बुलेंस सबसे मस्त चीज़ है, कोई पेशेंट है, कोई आप लोकल गाड़ी हायर करने जगह कोई गाड़ी नहीं दे रहा है, सारे डर रहे हैं इस महामारी से कि किसी को कोई प्रॉब्लम कोविड ना हो। तो एक ये इंसान थे जो 24 घंटे तैयार रहते हैं हमारी हेल्प के लिए, तो ये एम्बुलेंस भी 20 दिन से बंद पड़ रही है, उनसे जितना हो सके वो अपनी प्राइवेट गाड़ी भी देते हैं बीच में, तो अपना घर बार थोड़ी भेज देंगे। 20 दिन से इस फाइल पड़ी हुई है, कल हमारी कमिश्नर साहब से बात हुई थी, उनकी नॉलेज में हमने ये बात डाली तो उन्होंने आज तुरंत एक्शन लिया, उन्होंने JEE को यहाँ पे भेजा सुनने में आया, तो कुछ कार्रवाई की इस पे। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही तुरंत, ये कल रात से ही इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी, कार्रवाई करने में मुझे लगता है कि और काफ़ी टाइम लगेगा, और जब ये गाड़ी रिपेयर होने के लिए जाएगी, वर्कशॉप में जाएगी, और 10-15 दिन लगेंगे। मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहले हमें एक एम्बुलेंस दे जब तक ये ठीक होके आए, और दूसरी एक और डिमांड हमारी जो है, हमें एक नई एम्बुलेंस चाहिए, बहुत बड़ी माइग्रेंट कॉलोनी है, कहाँ कहाँ ये एम्बुलेंस जाएगी। बीच में एक चीज़ के लिए टोकना चाहूँगा, ये एम्बुलेंस तो थी बट क्या इसमें प्रॉपर इक्विपमेंट्स थे? नहीं, ये एम्बुलेंस है, ये खाली एक एम्बुलेंस है, इसमें ना ऑक्सीजन सिलेंडर है, ना वेंटिलेटर की फैसिलिटी है, ना कुछ है, ये नॉर्मल एम्बुलेंस है एक है। तो मैं डिपार्टमेंट से ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द एक तो इसके बदले कोई टेम्प्रेरी एम्बुलेंस भेज दीजिए कि जब तक ये ठीक हो के आए, और दूसरा हायर अथॉरिटी से, आपको पता है इतनी बड़ी महामारी चल रही है, ऑक्सीजन की जो इस टाइम रिक्वायरमेंट है वो इस एम्बुलेंस में है नहीं, हमें एक नई एम्बुलेंस जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाइए जिसमें ऑक्सीजन हो, उसमें अपना वेंटिलेटर हो, सारी फैसिलिटियाँ जो आपने देखा कि आजकल की जो नई एम्बुलेंस में आ रही है, वो एम्बुलेंस हमें चाहिए, और इस एम्बुलेंस को जितनी जल्दी हो सके वो ठीक करे, और इसके बदले आज रात तक हमें नई एम्बुलेंस चाहिए, और इसके बदले एक टेम्पररी एम्बुलेंस चाहिए। मैं अपने रिलीफ डिपार्टमेंट से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, जैसे कल कमिश्नर साहब ने जल्द से जल्द ये फैसला लिया, इसके लिए आपने JEE साहब सब भेजे थे, जल्द से जल्द कार्रवाई की, तो मैं यही चाहता हूँ कि एक नई एम्बुलेंस, और इस एम्बुलेंस को जल्द से जल्द ठीक करें कि लोगों को सुविधा जल्द से जल्द पहुँचे। तो मुझे एक चीज़ और पूछनी थी आपसे, ये एम्बुलेंस किस किस चीज़ के काम आती है, चाहे सिर्फ डेड बॉडीज ले जाने के काम आती है या बाकी चीज़ों के भी? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये एम्बुलेंस हर एक चीज़ के लिए काम आती है। यहाँ से जो हमारा शमशान घाट है वो काफ़ी दूर है, वो नाला क्रॉस करके हमें जाना पड़ता है यहाँ से, तो ये एम्बुलेंस डेड बॉडी के लिए भी काम आती है,
और ये एम्बुलेंस पेशेंट को लेने जाने में भी काम आती है, चाहे वो कोई भी पेशेंट हो, दोनों डेड बॉडियां भी और पेशेंट को भी लेते हैं इसमें, ये एम्बुलेंस दोनों मल्टीपल काम के लिए। बट एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आई, जैसा कि मैं कल परसों अभी दो दिन पहले मैं यहाँ पे आपका सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गया था, वहाँ मैंने एक एम्बुलेंस लगी हुई देखी थी, तो क्या वही एम्बुलेंस यहाँ पे यूज़ नहीं होती है? नहीं, वो जो एम्बुलेंस आपने हॉस्पिटल में देखी है, बहुत सारे लोगों को डाउट है कि वो एम्बुलेंस जगटी वालों के लिए दी है, एक्चुअली वो एम्बुलेंस ना टेम्परेरी बेस पे वहाँ रखी है कोविड पेशेंटों के लिए, और मैंने देखा नहीं कि कोई कोविड पेशेंट उसमें ले रहे हैं या कोई लेके गए अभी तक। मैंने वो एम्बुलेंस देखी ऐसे, जब भी मैं गया हूँ तो मैंने वो वहाँ पर खड़ी हुई देखी है, वो कोविड पेशेंट के लिए, मैंने सुना है कि कोविड वालों के लिए वो एम्बुलेंस है, तो वो एम्बुलेंस टेम्प्रेरी है, वो माइग्रेंट कश्मीरी माइग्रेंट कॉलोनी के लिए वो एम्बुलेंस नहीं है, ना हॉस्पिटल के लिए ना माइग्रेंट के लिए। ये एक लौती जाती एम्बुलेंस थी जो हमारे नाना जी हर एक पेशेंट को लेके जाते हैं, चाहे वो डेड बॉडी हो, हर एक काम में वो आते हैं। जी सर, तो जिस प्रकार से अभी कोविड का टाइम है, तो हॉस्पिटल में क्या सुख सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, कोविड से पहले भी आप पीछे चले जाए, इस पे काफ़ी सारी जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे हमारे यहाँ के कोई प्रेसिडेंट हैं या सोशल वर्कर है, सब ने इस पे पहल की। आपको खुद पता है, आपने रंजन जी खुद वहाँ पे जाके गए हैं, प्रैक्टिकली देखा है आपने, वो नाम का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया हुआ है, फैसिलिटी उसमें कोई नहीं है, मेडिसिन फर्स्ट एड की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे, वो डॉक्टर कुछ हैं वहाँ पे, अच्छे डॉक्टर आते हैं कुछ, मगर जब उनके पास इक्विपमेंट ही नहीं है तो वो क्या करेंगे सर। सो 100 बेड का हॉस्पिटल था, वो प्रॉपर तरीके से है नहीं, आप देखिए ना उधर ऑक्सीजन के वो है ना, अपना सीटी स्कैन वगैरह कुछ भी नहीं, ऑर्डर फर्स्ट एड तो मिलता ही नहीं कुछ, अगर हम एक वोरान की या कोई भी इंजेक्शन है वो बाहर से लेना पड़ता है, तो क्या फ़ायदा इस ऐसे हॉस्पिटल का। आज इतनी बड़ी महामारी चल रही है तो इसमें कम से कम फर्स्ट एड फर्स्ट क्लास फैसिलिटी होनी चाहिए थी, इतना बड़ा कैंप है, इतना भी नहीं होगा हमारे लिए तो फिर क्या फ़ायदा इस हॉस्पिटल का। जैसे कि आपने कहा ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, जब मेरी वहाँ पे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर अनिला जी, जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था ऑक्सीजन सिलेंडर्स उनके पास प्रॉपर मौजूद हैं, जो कभी भी यूज़ में लाए जा सकते हैं, किसी को रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे जाके उनको यूज़ कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर है तो वो सामने लाए ना, यहाँ पे अभी 2-3 पेशेंट थे कल, उनको तो लोकल उन्होंने प्राइवेट उन्होंने सिलेंडर लिया ऑक्सीजन का, जो मैंने सुनने में आया था कोविड पॉजिटिव कोई पेशेंट है, उन्होंने प्राइवेट हायर किया है सिलेंडर, तो क्यों नहीं दिया उनको फिर? आज तो केसेस पता लग रहे हैं ना, वहीं पे तो टेस्ट हो रहे हैं कि कौन सा केस आ रहा है, क्या क्या सिचुएशन है पेशेंट की, क्या है क्या नहीं है, वो क्यों नहीं जा रहे हैं उनके पास, क्यों नहीं बता रहे हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है? सामने आए ना, बताइए कि सिलेंडर है कितने हैं, वो क्यों नहीं बताया उन्होंने? वो आपको दिखाया जानते थे उस टाइम की जब आप गए थे वहाँ पे, आपको दिखाते कि देखिए सिलेंडर पड़े हुए यहाँ पे हमारे पास, प्रॉपर हमारे पास फैसिलिटी है, तो क्यों बाहर भेज रहे हैं, क्यों घर में बोल रहे हैं बैठने के लिए उनको, क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल भेज रहे हैं उनको, क्यों सीधा भेज रहे हैं, क्यों बख्शीनगर भेज रहे हैं, क्यों अपना मार हृदयानंद भेज रहे हैं, क्यों वो वहाँ भेज रहे हैं अपना क्या बोलते कटरा में? तो ये थी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात, साथ ही मैं वेंटिलेटर्स को लेकर आपसे पूछना चाहूँगा, क्या यहाँ पर वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर, आप मेरे को साथ में ये भी बताइए कि यहाँ पर किन किन और चीज़ों की जो है रिक्वायरमेंट है इस हॉस्पिटल में? सर, वेंटिलेटर की तो बहुत दूर की बात है, मुझे हंसी आ रही है, जहाँ वोरान का इंजेक्शन ही मिल रहा है वहाँ वेंटिलेटर कहाँ से होगा सर? आप खुद देखिए वहाँ पे जाके वेंटिलेटर कहाँ है, वहाँ एक्सरे वो भी कभी कभार होता है प्रॉपर, जैसे डेली बेसिस पे एक्सरे नहीं चलता है, अल्ट्रासाउंड मेरे को लगता है कि वो भी शायद कभी मैंने सुना नहीं है, देखा नहीं है अपने कि कभी चला है या नहीं चला है। मैं चाहता हूँ कि जैसे एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है प्रॉपर वे से चलना चाहिए, 24/7 अवेलेबल होना चाहिए, कोई भी पेशेंट बता के तो नहीं आएगा कि भैया कि मैं इस टाइम बीमार हो जाऊंगा या इस टाइम सीरियस हो जाऊंगा, वो होगा। इतना दूर है यहाँ से GMC हॉस्पिटल, फर्स्ट एड तो मिलनी चाहिए, कम से कम यहाँ पे एक मिनी ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, फर्स्ट एड मिलना चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, सीटी स्कैन होना चाहिए, हर एक एक्सरे की फैसिलिटी होनी चाहिए कि कम से कम जो पेशेंट है अगर वो इतना सीरियस है उसको फर्स्ट एड मिले कि GMC तक पहुँचने तक। एक वही बात आई ना कि एक एम्बुलेंस होनी चाहिए जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत हो या ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो वो अपना थोड़ा सा टाइम जो है GMC तक निकाले। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितने आपने केसेस सुनोगे जिन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया है। तो इन चीज़ों की हमें खास ज़रूरत है डिपार्टमेंट, रिलीफ डिपार्टमेंट से। मैं अभी हमारे कमिश्नर साहब अच्छे हैं तो मैं चाहता हूँ उनसे कि गुजारिश कर रहा हूँ फिर से कि ये जो एम्बुलेंस के लिए ये इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करिए, हमें एक नई एम्बुलेंस और इसके बदले जब तक ये रिपेयर होकर आएगी टेम्प्रेरी एम्बुलेंस दीजिए सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ यहाँ पर यूथ ऑफ जगती के प्रेसिडेंट मिस्टर नवीन गोसाई, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है, चाहे एम्बुलेंस को लेकर हो, चाहे फिर वेंटिलेटर्स को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो।
तो इस टाइम पे जहाँ लोगों को सुविधाएं प्रॉपर तरीके से मिलनी चाहिए थी, वहीं पर यहाँ पर मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लापरवाही देखने को मिल रही है अथॉरिटीज़ द्वारा। और किस हम भी अथॉरिटीज से गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ पर लोगों को प्रॉपर तरीके से सुविधाएं दी जाएं, ताकि इस कोविड की महामारी के टाइम पर लोगों को प्रॉपर सुविधाएं मिलें और इस कोविड से जंग में हमें जीत मिल सके। आप बने रहें द फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।